बहुत स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर किए थे। बच्चों, इसी श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है, कैसे ये रोग फैलते हैं? पहला निमोनिया, दूसरा अमीबता, तीसरा मलेरिया और चौथा एस्केरिस्टा। पहला जो है, देखो, निमोनिया जो है वो स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण कैसे होगा, किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को अथवा एरोसॉल सांस द्वारा अंदर लेने से, संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से होता है। यदि कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके जो अणु हैं, बिंदु हैं संक्रमण वाले, वो पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं उसके द्वारा, या फिर मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसका इस्तेमाल किए हुए गिलास या बर्तन या जो भी वस्तु वो इस्तेमाल कर रहा है उसको इस्तेमाल करने से हो जाता है। दूसरा देखते हैं अमीबता, अमीबियसिस। ये क्या है? ये मल पदार्थ, जैसे बाहर जो लोग मल त्याग करते हैं उससे घरेलू मक्खियों द्वारा संदूषित होता है, फिर वही घरेलू मक्खियां कहाँ जाती, दूसरे खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं और उससे अमीबता संचरण का माध्यम है। तो अमीबता कैसे फैलता है? मल पदार्थ से घरेलू मक्खियों द्वारा संदूषित किया गया खाद्य पदार्थ अमीबता संचरण का माध्यम है। तीसरा देखो बच्चों, मलेरिया। सबको बहुत अच्छे से पता है मलेरिया कैसे फैलता है। इसका संचरण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी अस्वस्थ मलेरिया ग्रस्त व्यक्ति को काटे और उसके बाद जाके किसको काटे, किसी स्वस्थ व्यक्ति को, तो मलेरिया का ट्रांसफर संक्रमण हो जाता है। चौथा देखो, एस्केरिस्टा। स्वस्थ व्यक्ति में संचरण संदूषित पानी, फलों, साग सब्जियों के सेवन से होता है। मोस्टली जितने भी संक्रमण हैं वो सब इसी प्रकार से होते हैं। ये जो नीचे बेटा ये पॉइंट आ गए हैं, ये पॉइंट इसमें नहीं है, इसको आप इसमें नहीं लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक व्यक्ति, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैसा है, आपको रीजनिंग टाइप का दिया है ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र संदमित है, संदमित मतलब इम्यून सिस्टम सीज हो गया, खराब हो गया। एलिजा टेस्ट में वह रोग जनक के लिए सकारात्मक पाया, जब उसने एलिजा टेस्ट कराया, एलिजा टेस्ट, उसमें वो पॉजिटिव पाया गया। अब हमको बताना है उस रोग का नाम जिससे वो ग्रसित है। तो इसका नाम है, क्या नाम है उस रोग का, नाम क्या है? एड्स है। क्या है? एड्स। उस रोग का नाम एड्स है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, कारक जीव का नाम बताइए जिसके कारण वह रोग है उसका नाम। तो उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोवायरस, अर्थात उसको शॉर्ट में कहते हैं HIV। आप बहुत अच्छे से वेल नोन है इस डिसीज से। फिर रोग जनक द्वारा जीव की कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? तो इससे बृहद भक्षकाणु एवं सहायक टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, किन्हीं दो विषाणु एवं दो जीवाणुविक रोगों के नाम लिखिए, मतलब जो दो वायरस द्वारा फैलने वाले रोग और दो बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखना। तो दो विषाणु रोग के नाम क्या है? एड्स और चिकनगुनिया। और दो जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा जो फैलते हैं वो है टाइफाइड, यक्षमा या ट्यूबरकुलोसिस या TB जिसको बोला जाता है। ये अच्छे से आपको याद करते जाइए क्योंकि शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं और आपको बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिंग वर्म के कारण वाचक के नाम बताइए। रिंग वर्म किस कारण से होता है? माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटान और एपिडर्मोफाइटान वंश के जो कवक, जो फंजाई होते हैं उनके द्वारा ये रिंग वर्म डिसीज होती है। 5वां देखिए, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या अपनाएंगे उपाय? जलवाहित मतलब ऐसे रोग जो जल के द्वारा होते हैं, संदूषित जल के माध्यम से होते हैं। तो जलवाहित रोगों की रोकथाम हेतु हमको क्या जरूरत है? जन स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मल मूत्र उत्सर्ग का समुचित निपटान होना चाहिए। जलाशयों, कुंडों और मल कुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई होना चाहिए। उनका विसंक्रमण करना चाहिए।
जन खान पान प्रबंध में सफाई के मानक का पालन आदि आवश्यक उपाय है। तो सिंपल सी बात है कि जलवाहित रोगों की जब हम रोकथाम करें तो लोगों को जन स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि जल स्रोतों के निकट गंदगी ना हो, अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र जो उत्सर्जन है उसका समुचित व्यवस्था होना चाहिए। जलाशय कुंड और मल कुंडों की और तालाबों की सफाई कैसी होना चाहिए, समय समय पर होती रहना चाहिए। उनमें विसंक्रमण मतलब उनको क्या करना चाहिए, संक्रमण मुक्त करते रहना चाहिए। और खान पान का जो प्रबंध है लोगों में वो भी कैसे होना चाहिए, साफ सफाई के मानक पालन आवश्यक उपाय किए जाना चाहिए। क्वेश्चन छठवा देखो बेटा, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी को परिभाषित कीजिए। आजकल इम्यूनिटी वर्ड सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि कोरोना काल में सब बोल रहे जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है वो सुरक्षित है। तो इम्यून क्या है, तो हमारा शरीर अंदर आए बाहरी कारकों जैसे विषाणु जीवाणु परागकण आदि को पहचान कर उनके संक्रमण निवारण के पश्चात भी पुनः संक्रमण के समय स्मृति आधारित उच्च तीव्रता के साथ रोगाणुओं का खात्मा करता है। इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी जो है उसमें हमको हाँ पूरे दिन भर में अनेकों प्रकार के वायरसेस बैक्टीरिया परागकण बहुत से ऐसे संक्रमणकारी तत्व हैं जो हमारी बॉडी में प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा सिस्टम कितना है मजबूत है जो उन सब का खात्मा करता रहता है। और उसके बाद भी दोबारा स्मृति उसमें मेमोरी में फीड हो जाता है कि ये वाला संक्रमण आया तो हमको ऐसे ट्रीट करना है। तो स्मृति पर आधारित उच्च तीव्रता के साथ किसका खात्मा करता है, रोगाणुओं का खात्मा कर देता है। इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी शरीर बाहरी संक्रमित कारकों के विरुद्ध अपनी रक्षा करता है, उसको हम प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, बी तथा टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, इसमें क्या अंतर है। बी तथा टी लिम्फोसाइट कोशिका अस्थि मज्जा में बनती है, सबसे पहली बात। दूसरा, बी कोशिका अस्थि मज्जा में ही परिपक्व होती है जबकि जो टी लिम्फोसाइट होती है वो थायमस में होती है। पहले अंतर ये हो गया। दूसरा, बी कोशिकाएं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती हैं जबकि टी कोशिकाएं माध्यित इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरक्षा तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थाइमस ग्लैंड अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके शरीर में क्या नहीं बनेगा, किस चीज का मैचुरेशन कम हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन बंद हो जाएगा, जिससे जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, सीज हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा और व्यक्ति को बार बार कई प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकांगों के अंगों के नाम बताइए। अस्थि मज्जा और थाइमस जो है वो प्राथमिक लसिका अंग है और जबकि द्वितीयक लसिका अंगों में प्लीहा लसिका ग्रंथियां टॉन्सिल्स आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इनकी भूमिका बताइए। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन पदार्थ है जो किससे निकलते हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिका जिसमें किसने अटैक कर दिया, वायरसेस ने कर दिया। इन वायरसों से बचने के लिए वो कोशिका क्या निकालती है, इंटरफेरॉन उत्पन्न करती है। इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती है जो क्या करता है, ये प्रोटीन जो निकलते हैं बाहर तो ये जो जिन कोशिकाओं में वायरसेस का संक्रमण नहीं हुआ है उनको रोकते हैं। ये सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। फिर से देखें, इंटरफेरॉन एक प्रोटीन पदार्थ है जो किसमें आ गया, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निकाले जाते हैं। क्यों निकाले जाते हैं, ताकि जो बाकी की जो कोशिकाएं बची हैं विषाणुओं के संक्रमण से उनमें जाके वायरसेस का अटैक ना हो। तो ये प्रोटीन असंक्रमित कोशिकाओं को आगे विषाणु संक्रमण से रोकते हैं और एक इसके अंतर्गत आता है सहज प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों, माता का दूध नवजात शिशुओं के लिए क्यों उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है क्यों। आंसर, दुग्ध स्रावण के प्रारंभिक दिनों में माँ द्वारा जो स्रावित दूध है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, प्रतिरक्षियों की मात्रा अधिक होती है जो शिशु को कई रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा माँ के दूध के साथ
तब तक जारी रहती है जब तक कि शिशु अपना सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र विकसित या कार्यशील न कर पाए। समझ में आया? जो माता का दूध होता है उसमें क्या होता है, उस समय नए शुरू के समय में उसमें प्रतिरक्षा की मात्रा अधिक रहती है माँ के दूध में, क्यों, जो कि जब शिशु पीता है तो उसकी बाकी रोगों से रक्षा होती है, और ये तब तक उसको मिलती रहती प्रतिरक्षा जब तक कि वो बच्चा उसके अंदर खुद का प्रतिरक्षा तंत्र विकसित और कार्यशील ना हो जाए, तब तक ये मिलता रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 12 देखो बच्चों, प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है? प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है, मतलब एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल में क्या अंतर है? तो कोशिका विभाजन नियमन एवं नियंत्रण प्रक्रिया का कार्य ना करना। तो कैंसर कोशिका कैसी होती है, उसमें कोई नियमन नहीं होता है, ना तो नियंत्रण प्रक्रिया होती कोशिका विभाजन में, पूरे समय कैसा होता है, इररेगुलर सेल डिवीजन होता रहता है। नॉर्मली क्या होता है, सेल डिवीजन तो होता है सेल्स में, लेकिन कैसा होता है, एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन कैंसर सेल में नियमन नियंत्रण कार्य प्रक्रिया कार्य नहीं करती और अनियंत्रित कोशिका विभाजन होती है। मैन इंपॉर्टेंट क्या है, नियमन नियंत्रण अनियंत्रित कोशिका विभाजन, नियमन नियंत्रण प्रक्रिया का कार्य ना करना, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। दूसरा, स्पर्श संदमन लक्षण का अनुपस्थित होना जिससे कैंसर कोशिकाएं किसी भी ऊतकों के बीच वृद्धि करने की क्षमता रखती है। तीसरा, कैंसर कोशिकाएं आमरणशील इमोर्टल होती है, अर्थात कभी नहीं मरती, क्योंकि वो इतना डिवाइड होती है कि उनके मरने की स्टेज आती ही नहीं। ये कोशिका प्रासामान्य कोशिकाओं की तरह स्पर्श नियम का पालन न करके लगातार विभाजित होकर बहुस्तरी बहुआयामी कोशिका ढेर बनाती है, ना बहुत सारे ऐसे इरेगुलर टाइप से वृद्धि करेंगी और ये एक सेल्स का ढेर टाइप का बना हीप बना लेंगी, सेल्स का सेल हीप कैसा क्लस्टर ट्यूमर इनका निर्माण करती रहती है। नेक्स्ट देखो, मेटास्टेसिस का क्या अर्थ है, व्याख्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटास्टेसिस कैंसर कोशिकाओं का वह गुण है जिसके तहत वह कैंसर प्रभावित अंग से निकलकर रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचते हैं तथा वहां निर्बाध रूप से स्वयं भी वृद्धि करते हैं और अन्य कोशिकाओं को भी कैंसरस अभिक्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार मेटास्टेसिस के द्वारा कैंसर पूरे शरीर में फैलता है। ये वाला जो वर्ड है ये पूरा की वर्ड है पूरे क्वेश्चन का, जैसे कि जहां पर शरीर के जिस अंग में कैंसर सेल प्रोड्यूस हो रहा है वहां से ये कोशिकाएं क्या होती है, रक्त के माध्यम से या किसी भी माध्यम से शरीर के अन्य भागों में चली जाती है, शरीर के अन्य बॉडी पार्ट में चली जाती है, अन्य भागों में पहुंचती है और वहां क्या करती है, वहां भी जाके क्या क्या करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, नहीं इनका तो काम ही है अपने काम को अंजाम देना, तो ये सब जगह कैंसर सेल बनाने की प्रक्रिया चालू कर देती है और इस तरह से मेटास्टेसिस के द्वारा कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसको कहते हैं ना लास्ट स्टेज, उसमें क्या होता है पूरे सारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ये फैलने लगता है। अब ये देखो, इम्यून स्मृति का क्या मतलब है, एनसीईआरटी एग्जाम का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात प्रतिरक्षा स्मृति क्या है। शरीर में जब पहली बार किसी प्रतिजन का सामना करता है तो उसमें प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के तहत विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी बनाने हेतु बी कोशिकाएं तथा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए टी सेल्स बनती। प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के समय ही बी तथा टी सहायक स्मृति कोशिकाएं भी बनती है जो इस प्रतिजन विशेष के लिए अर्ध विभेदीकृत होती है। जब उसी प्रतिजन द्वारा दूसरी बार संक्रमण होता है तो स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं जल्दी ही विभेदीकृत होकर प्रभावी बी तथा टी कोशिकाएं बनाती हैं तथा बड़े स्तर पर तुरंत संक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र में स्मृति कोशिकाओं के कारण पूर्व संक्रमण की स्मृति मौजूद होती है। अब इसको समझो, जैसे ही हमारे शरीर में आपको जब पिंच उबती है ना, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात बताइए, आप जब आपको चोट लगती है कहीं बाहर जाने पर पैर में फर्स्ट टाइम पे, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए जूते बनवाते हैं, बनवाते कि नहीं बनवाते, जूते पहन के बाहर निकलते हैं, आपको मालूम है कि पैर में चोट लग जाएगी। नेक्स्ट टाइम यदि फिर से आपको उसी जगह पर विजिट करना हो या उससे मिलते जुलते किसी दूसरी जगह पर विजिट करना हो तो क्या होता,
क्या आप बिना शूज के जाएंगे? नहीं, आप फिर दोबारा जूते पहन के जाएंगे ना, तो आपकी मेमोरी में आ जाएगा कि हमको इस चीज से कष्ट हो रहा, तो हमको इसके लिए ये उपाय करना। सेम सिस्टम ऐसा ही अपनी बॉडी में है कि जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन आता है तो उसके लिए सबसे प्राइमरी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है, बी कोशिका और टी सेल्स बनती हैं। जैसे ही बी और टी सेल्स बनती हैं, उसी समय जैसे ही निर्माण बी और टी सेल्स का, उसी समय उसी की कॉपी यानी मेमोरी बी और टी सेल्स बन जाती, स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये रही आती हैं बॉडी में, लेकिन जब दोबारा से फिर अटैक होता है उसी एंटीजन द्वारा, तो क्या होता है कि ये जो स्मृति वाली बी और टी सेल्स थी ना, जल्दी जल्दी फटाफट इफेक्टिव बी और टी सेल्स बना देती है कि जाओ तुम लोग लड़ाई करो। तो ये इसको कहते हैं स्मृति, इम्यून स्मृति। समझ में आया बच्चों? कार्सिनोमा तथा सार्कोमा के उत्पत्ति के संदर्भ में क्या अंतर है? अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिथेलियल कोशिकाओं से होने वाले कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं, मतलब जब त्वचा के माध्यम से हो रहा उसको क्या कहेंगे? कार्सिनोमा। और जब संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू है जैसे हड्डी, कार्टिलेज, ब्लड, इसके उससे होता है, तो वो वाला कैंसर सार्कोमा कहा जाता है। संयोजी से सार्कोमा याद रखना, संयोजी ऊतक सार्कोमा, और एपिथेलियल सेल से हो रहा है तो उसको कार्सिनोमा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16, अफीम के उत्पादों के नाम लिखिए। अफीम के कौन कौन से उत्पाद है? स्मैक, हीरोइन, मार्फिन आदि ये अफीम के उत्पादक हैं। तो बच्चों ये थे अति लघुत्री 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप बहुत अच्छे से याद करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लघुत्री और दीर्घुत्री क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।